आपका भैया उन्होंने शायद दो तो राउंड किए थे, दो गोली चलाई थी, उनको लगी थी पड़ेगा। क्या मामला था सर? मेरा नाम जुबैर खान है जी, आजम कॉलोनी से। मैंने कुछ जमीन ली थी माधोपुर गांव में, 5 कनाल 3, उसका मैंने एग्रीमेंट करवाया था। तो आज उनका पेमेंट का टाइम था, तो मैं पेमेंट लेके जा ही रहा था, सामने से उनकी 3 गाड़ियाँ आई ओवरटेक की गाड़ी को, उन्होंने 2 राउंड फायर किए मेरे ऊपर, मैंने बचाव किया तो मैं गिर गया। गिरने के बाद 15-20 लड़के उतरे, मेरे रॉड सरिया डंडे जो है मेरे ऊपर बरसा दिए, उन्होंने पेमेंट लेके फरार हो गए, मैं बेहोश हो गया। कितनी की पेमेंट थी? 7.5 लाख। तो कोई दुश्मनी थी आपकी किसी से पहले? जी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। कौन लोग थे ये? फिरोजपुर कला के जो 2-3 लड़के मैंने पहचान लिए, उनमें से एक मनोज था, एक अन्नू संते और एक रवि था, रवि सभी ऐसे कुछ नाम। टोटल कितने लोग होंगे? 15-20 लड़के थे जी, 3 गाड़ियाँ थी, 2 हज़ार रुपये, 120 हथियार वगैरह भी थे कोई? उनके पास तलवार थी जी और सरिया थे, रोड थी जी। तो क्या उन्होंने पैसे की वजह से हथियार वो कराया? उन्होंने पैसे की लूटपाट की है जी, पैसे छीने। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी? नहीं जी, कोई मेरी पुरानी रंजिश नहीं थी जी। मेरा नाम मन्नान खान है जी। क्या मामला था सर? सर मामला मुझे नहीं पता, हमने जमीन ली थी एक मादलपुर में और जिसका आज एग्रीमेंट था। हम अपने घर से 7.5 लाख रुपए लेके जा रहे थे मादलपुर एग्रीमेंट कराने के लिए, तो अचानक से 2 राउंड हुए थे गोली के और उन्होंने मेरी गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, उन्होंने गाड़ी में टक्कर मारी थी और मेरा संतुलन खराब हो गया, गाड़ी सुपेदा से जाके टकराई। तो जैसे मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात हो गई, उन्होंने छुटते ही मुझ पर राउंड रोड से मार किया, इसे यहाँ लगा और मेरे हाथ में लगी सूजन आ रही। और उसके बाद जुबेर भाई और इरफान भाई है, एक छोरा और था हसन, वो भाग गया पहले ही, गाड़ी रोकते ही उखनावली का। उसके बाद मैं थोड़ा साइड में हो गया और वो पैसे वैसे लेके जुबेर भाई को मारा और चले गए। कितने पैसे लेके गए? वो 7.5 लाख रुपए। कहाँ की घटना है ये? समयपुर से पहले एक वो है सेक्टर 56 को निकलने के बाद उसके बीच की घटना। तो कितनी जमीन खरीदी आपने? हमने 5 कनाल 2 मरले कुछ ऐसी जमीन। कहाँ पे? ये मादलपुर में नहर के पास है। किसी से दुश्मनी थी कुछ? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। बल्लभगढ़ से रेफर होके आए हैं, कुछ झगड़े का केस है, ठीक है। उनमें से एक है इरफान, जो जिसके फ्रैक्चर आया है जैन में, तो उसको हमने दिल्ली रेफर किया है सब। तो ये बता रहे हैं लूटपाट हुई है इनके साथ क्या? वो हमें नहीं पता, हमारे जो पुलिस आई है। हाँ पुलिस आई, पुलिस छोड़ के गई इनको यहाँ पे? नहीं, ये रेफर हुए हैं, मतलब एम्बुलेंस में आए हैं। पुलिस इनके साथ आई थी? पुलिस बाद में बयान लेने आई थी और वो भी हालत में नहीं है बयान। तो अब इनकी क्या कंडीशन है इनकी दोनों? एक के तो फ्रैक्चर है, तो उसको हमने रेफर किया है सफदरजंग के लिए। दूसरा ठीक? दूसरा भी ठीक, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक, थैंक यू।